बावजूद जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है तो लापरवाही लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, और इसमें भी जिन लोगों ने यहाँ किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गांव में 2 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है और यहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौजूद हैं। जहाँ तक सहायता की बात है ये शासन स्तर पे समीक्षा के बाद से निर्णय लिया जाएगा। देखिए सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे, तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफर किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है, कोई एक पुराना जमीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे, उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले शॉर्ट आउट हो चुका था। और चूंकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है, अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप लोगों से कोई गिरफ्तारी वगैरह जो है अभी हम लोग ने एक पक्ष से एक गिरफ्तारी की है और बाकी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक ठीक है।